डीजे विकास। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, ये पार्ट टू व्लॉग है। इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और मार्केट तक पहुंचने के बाद मैंने उस वीडियो को वहीं पे लास्ट कर दिया था, एंड कर दिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप रहा था। तो दोस्तों, उसके आगे का यात्रा हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी शादी का सीज़न चल रहा है और हर जगह आपको डीजे सुनने के लिए मिल जाता है बहुत ही ज़ोरों शोरों से, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो मैंने डीजे के कुछ क्लिप्स इस वीडियो में ऐड किए हैं, आप उन्हें अच्छे से एंजॉय कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। चलिए चलिए चलिए। My heart. दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं बस्तौल पहुंच चुका था और उसके बाद वहीं पे मैंने अपने वीडियो को एंड कर दिया था। तो यहां तक का यात्रा आपने कंप्लीट देख लिया है, अब इसके आगे का जर्नी हम यहां पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं अभी सीधे जा रहा हूं क्योंकि इस रास्ते पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि इस रास्ते पर चल के हम कहाँ जा सकते हैं और हमें किस प्रकार के अच्छे नज़ारों का आनंद मिल सकता है। इसी वजह से मैं इस रास्ते को सेलेक्ट किया हूं और यहां से अभी हम लोग, मैं और मिश्रा जी, अजीत मिश्रा व्लॉग्स, अभी जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मिल सकता है हमें। आपको सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है और जिन बेहतरीन क्लिप्स को मैं आपके लिए तैयार किया हूँ उन्हें देखना। यहाँ कितना ज़्यादा अंधेरा है, आप ये देखो, हद से ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, और शाम हो चुका है। ये जंगल का एरिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मालूम नहीं कौन सा जानवर निकल के आ जाए, अनजान रास्ते पे थोड़ा सा होता है, लेकिन हम ट्रैवलर्स हैं, हमें इन्हीं डर के आगे तो जीत नज़र आता है। तो बस जीतने की एक जिद सी है, जिद को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी शादी हो रहा है, डीजे विकास, डीजे विकास। तो यहाँ पर भी अभी डीजे विकास का रंगारंग प्रस्तुति चल रहा है, लोग काफ़ी खुश हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब इससे आगे जाने का कोई हमारा विचार नहीं है, तो हम यहीं से यू टर्न ले रहे हैं और वापस मार्केट की तरफ जाते हैं, अपना काम करते हैं और सामान लेते हैं, घर जाते हैं। डीजे विकास फिर से यहाँ शुरू हो गया। ये छोटा सा गांव था बस्तौल चौक की तरफ, हुंडेली जाने वाला रास्ता। वापस हम बस्तौल चौक आ चुके हैं,
दोस्तों ये बस्तौल चौक जो है ये मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मेरे आसपास का सबसे अच्छा मार्केट है। यहाँ ज़रूरत का सामान और ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी मिल जाता है, मतलब लगभग लगभग सारा सामान मिल ही जाता है। ज़रूरत क्या कहना है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं लेफ्ट और जो सामान लेना है सामान खरीदते हैं और निकलते हैं। शाम के समय इस बाज़ार में थोड़ा सा भीड़ तो रहता ही है क्योंकि मार्केट जो है वो शाम के समय में ही लगता है और यहाँ पर सब्जी का जो मार्केट है वो भी शाम के समय लगता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा क्राउड हो जाता है। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि मंदिर है और मंदिर के आस सामने ही बिल्कुल सब्जी का मार्केट लगता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा क्राउड हो जाता है। और यहाँ पर अभी हम बाइक लगाएंगे और अजीत मिश्रा व्लॉग्स को कुछ पिन के बारे में पता करना है। इनके इनके पास जो रेडमी का फ़ोन है उसके फ़ोन में नॉर्मल जो 3.5 mm का जो ऑडियो जैक होता है वो लग नहीं रहा है, तो यही पता करना है कि उनके फ़ोन के लिए जो स्पेसिफिक पिन है रेडमी का वो यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी दुकान पे जा रहे हैं पता करने के लिए। ये बस्तौल चौक का दुकान है, पहली बार हम यहाँ आ रहे हैं। रेडमी का तो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है सामान, इन्होंने तो मना कर दिया। नॉर्मल से हिलाते हुए आप देख रहे होंगे रेडमी का लगेगा नहीं का साइन है। निराश होकर के हम लोग खाली हाथ अब वापस उतर रहे हैं सीढ़ी से, बहुत ही दुखद बात है। ये देखो सिर पे हाथ रख के बंदा अजीत मिश्रा व्लॉग्स कैसे रो रहा है। तो दोस्तों अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर के सामने ही सब्जी का छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, सब्जी को खरीदना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सब्जी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल भी सब्जी है नहीं घर में, तो मुझे पूरे सप्ताह के लिए लेना पड़ेगा क्योंकि शनिवार रविवार के अलावा मंडे टू फ्राइडे मेरा घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे काम करना होता है ऑफिस का। तो इस वजह से मैं पूरे सप्ताह भर के लिए सब्जी को यहाँ से भर के लेके जा रहा हूँ 5-5 किलो, क्योंकि फैमिली थोड़ा सा बड़ा है तो कंजम्पशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा है, ले लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। टीवी वाले रूम में बैग में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, व्यूज तो अच्छे चले जाते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें सही मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से हमें व्लॉगर्स को सही दिशा में काम करने के लिए सही कंटेंट को बनाने का इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पर भी डीजे विकास हो रहा है अभी, जिसका रंगारंग प्रस्तुति मैं आपके साथ अभी थोड़ा देर बाद ही शेयर करने वाला हूँ। डीजे विकास के तर्ज पे बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा डांस डीजे विकास। I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town.